ये आदमी अपने कान को साफ कर रहा था, तभी उसकी कान से एक मधुमक्खी निकलती है। उस आदमी को कुछ अजीब लगता है और वो अपने कान को पानी से धोने लगता है, लेकिन तभी दो और मधुमक्खी उसके कान से निकलती है। लेकिन वो आदमी अभी भी ध्यान नहीं दे रहा था और वो अपने कान को शीशे में देखने लगता है, तभी उसमें से और सारी मधुमक्खियाँ निकलने लगती है। आदमी परेशान हो जाता है और गुस्से से सभी मधुमक्खियों को मार कर पानी में बहा देता है। लेकिन तभी अचानक उस आदमी को बहुत सारी मधुमक्खियों की आवाज सुनाई देने लगती है। वो पीछे देखता है तो उसके शरीर पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी। वो आदमी धीरे धीरे अपने शर्ट को निकाल लेता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन अभी भी उस आदमी के सर में आवाज सुनाई दे रही थी। जब आदमी अपने आप को शीशे में देखता है तो उसकी आंख से एक मधुमक्खी निकलती है, उसकी नाक से भी, और जब आदमी अपने मुंह खोलता है तो उसके मुंह से बहुत सारी मधुमक्खियां निकलने लगती है, जिससे आदमी चिल्लाते हुए अपने सर को पकड़ लेता है। तभी उसका सिर फट जाता है और उस आदमी की मौत हो जाती है।